शायद ही कोई ऐसा होगा जो जवान ना दिखना चाहता हो। ऐसे में तीन एंटी एजिंग टिप्स आप बता दीजिए जो लंबे वक्त तक सबको जवान रखे। हाँ, तो देखो, एक तो अभी बताया एक्सरसाइज का क्रम, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, आसन। अभी आसन और भी बताएंगे, और सबसे अच्छे एंटी एजिंग दो प्राणायाम है, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, वो अभी कराने वाले। और इधर आओ, हमारी डॉक्टर पूर्वा जी और उनके पति देव, क्या नाम बेटा, कनक जी, तुम अपनी पत्नी की सहायता करो, ये बहुत अच्छे पति हैं। रखो तुम। जाओ इधर, इसको पहली बिटिया को लगाओ, ये कांति लेप भेज रहा हूँ मैं, ये इसको बहुत फुंसियाँ हैं चेहरे के ऊपर। लेट जाओ बेटा, ऐसे ऐसे लेट जाओ, तो इसको चेहरे पर बहुत फुंसियाँ, इसको कांति लेप दे दिया। और जो है इसको वोट्स हो रहे थे जो मेरे साथ कर रही है बिटिया अवंती का, तो तुमको गुलाब की पंखुड़िया, कच्चा दूध और हनी, इसको मिला करके लगाया हुआ है, ये घर पर भी तुम बना करके लगा सकते हो। तुम ले जाओ, हमारी थेरेपी डॉक्टर बहन है, क्या नाम है, गरिमा जी, आप जाओ उधर लगाओ इनको, अपने वहीं जाओ अपने स्थान पर ही। और जो है एक बहन है यहाँ पर प्रार्थना, तेरे को क्या हो रखा है, ओपन होल्स, पूरा का पूरा ओपन, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं इसके ऊपर, खावड़ हो गई है इसकी। हाँ, तो इसके ऊपर खावड़ हो गए इसके, तो इसके लिए देखो, एक खीरा पका हुआ, केला पका हुआ, पपीता, केला, पपीता, नीम, बादाम, चिरौंजी, खीरा, ये इसके चेहरे पर लगा दो। ले जाओ बेटा, ये घर में बना सकते हैं, इसको अच्छी तरह से क्रश करके मिक्सी के अंदर या सिलबट्टे के अंदर थोड़ा बेसन मिला दिया इसमें, ले जाओ उधर। और ये जो है एंटी इन्फेक्शन है, किसकी चमड़ी में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, कई है यहाँ पर, ये गुड़िया तो बहुत ही परेशान है। चलो भाई, इन्फेक्शन वालों को भी उधर लगाएंगे, डॉक्टर कनक जी, इन्फेक्शन वालों को हल्दी, एलोवेरा, ये नीम और इसमें मेथी और ये मुल्तानी मिट्टी, इसका ये लेप बना दिया, ये घर में बना सकते हैं मिक्सी अच्छा, के अंदर और कपूर लगा दिया उसके अंदर। जो बताया उसमें खीरे का इस्तेमाल लिखा हुआ था, इसलिए इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि गर्मियों में तो हम चेहरे पर खीरा या टमाटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि सनटैन से भी हमें मुक्ति दिलाता है, लेकिन सर्दियों में ये सब बहुत ठंडा लगता है, ऐसे में सर्दियों में कौन सा लेप या स्क्रब लगाना चाहिए, क्या खीरा टमाटर इस सीजन में भी हम यूज कर सकते हैं? इसमें ना, इसमें हम हल्दी डाल देते हैं और इसमें कपूर डाल देते हैं, देखो ये कपूर है, तो ये कपूर, कपूर और हल्दी डालने से, और इसके अंदर चावल भी डाल दिया, एलोवेरा डाल दिया, तो ये सारा का सारा एक जनरल हेल्दी लेप बन जाता है। तो थोड़ी थोड़ी रेसिपी अलग होने से इसके प्रभाव अलग अलग हो जाते हैं, तो ये भी जो है, ले जाओ बेटा इधर से सिंदूरा। कुछ जो है ये अपने अपने उधर लगा दो बेटा, अलग अलग, हाँ इनको भी लगाओ, ये इनको लगाओ, ये जो जिसको इन्फेक्शन हो रहा है ना, सन बर्निंग हो रही है, यहाँ से शुरू करो, बाकी आगे ले जाओ, जिनको ज़्यादा पिंपल्स हो रहे उस गुड़िया को लगाओ, अलग अलग को सबको लगा दो। आज ये नेचुरल ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है यहाँ पर, और अपने घर में सब लगा सकते हैं, नहीं तो एक एक लेप लगाते हैं ना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम भी करो, ये लगा करके एक एक लेप लगाते हैं, तो उसके 3 से 5 हज़ार रुपये ले लेते हैं, फेस पैक लगाते हैं, लेप माने फेस पैक अंग्रेजी में, एक एक फेस पैक ब्यूटी पार्लर में कितने का लगता है, 4 से 5 हज़ार, तूने लगवाया हुआ है। मतलब स्वामी जी, हम घर पर ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं ये सारे लेप लगा के, या फिर अपने ट्रीटमेंट करना तो पैसे बचा सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, अरे ये तो ब्यूटी पार्लर प्रोफेशनली खोल सकते हैं। आज जितनी टिप्स बता रहा हूँ, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, वो अपने घर में कोई ब्यूटी पार्लर खोल ले, वैसे तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ, लेकिन कोई ब्यूटी पार्लर खोल ले कि जो है पतंजलि ब्यूटी पार्लर। नहीं लेकिन स्वामी जी, ये बात सही है कि आयुर्वेद के बढ़िया चलेगी दुकानदार, फेस पैक्स के लिए भी सेशन होते हैं और कई सारे सेशन फिर चलते चले जाते हैं।